पार्टी विद द डिफरेंस कहा जाता है, लेकिन कई नेता प्रधानमंत्री के निर्देशों के बावजूद भी बेफिजूल बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को हिदायत दे चुके हैं कि वो जो बोले सोच समझ कर बोले, लेकिन ये हिदायत ना तो झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ना बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा को अभी तक रास नहीं आ रही है। दोनों कुछ ऐसा बोल गए कि जिसके बाद से वो विपक्ष के निशाने पर आ गए। गौर से देखिए, यह है बीजेपी के बयानवीर। शब्द सम्राट इन सांसदों को सुनकर दिमाग चकरा जाएगा। पहले झुंझुनू के इन सांसद से मिलिए, जनाब पहचान के मोहताज नहीं है। कई दफा आपने इन्हें इनके बयानों के लिए चर्चा में सुना होगा। नरेंद्र कुमार कीचड़, जिन्होंने मानो ठान ली है कमल को कीचड़ से सराबोर करने की। अहम पार्टी अच्छी पार्टी जिसको टिकट देगी उसको पार्टी कौन है भाई? मैं चुनाव लड़ाऊंगा जिसको पार्टी मोदी जी टिकट देंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष टिकट देंगे, हमारा संघ जिसको टिकट देगा हम इसको जिताएंगे, ये भी वादा करते हैं। और मोदी जी का विरोध कौन कर सकता? आप लोग भी नहीं कर सकते, है कि नहीं? मोदी जी जो कर रहे हैं वो देश हित में कर रहे हैं। ये दिव्य ज्ञान ये बीजेपी सांसद दे रहे हैं। ये वो कीचड़ साहब हैं जो शराब पीकर सांसद बने और फिर पार्टी ही बन रहे हैं। चुनाव से पहले और जीत के बाद से ऐसे 5 बयान दिए सांसद महोदय ने, लेकिन सवाल जवाब नहीं हुआ तो शायद खुद को ही पार्टी मान बैठे हैं। कठिन समय चल रहा है। मैं जब चुनाव लड़ी उस समय एक महाराज जी आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी साधना को कम मत करना, साधना का समय बढ़ाते रहना, साधना कम मत करना, क्योंकि बहुत बुरा समय है और जो विपक्ष है वो एक ऐसा कार्य कर रहा है, ऐसा मारक शक्ति का प्रयोग कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी पर कर रहा है, और वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए है। लेकिन ये सांसद महोदया तो खींचड़ से भी आगे हैं। साध्वी से पहली बार सांसद बनी ठाकुर प्रज्ञा का दिव्य ज्ञान भी जरा सुनिए। प्रज्ञा को विरोधियों की मारक शक्ति और जादू टोने का डर है। ये अजीबो गरीब बयान उन्होंने दिवंगत नेताओं के निधन को लेकर दिया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं ने इसे उनका निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ लिया। ये उनकी निजी राय, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बंगाली जादू तो मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। किसी जादू टोने का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, इन सांसदों के विवादित बोल जरूर पार्टी की मटिया मेट करने से नहीं चुकेंगे। वो भी तब जब सत्ता में आते ही पीएम मोदी ने ऐसे बयान वीरों को साफ साफ चिताया था। एक तरफ वो एक के बाद एक बड़े कदम उठा रहे हैं, तमाम कमिटमेंट कंप्लीट करने में लगे हैं, करप्शन की सफाई हो रही है, तो वहीं उनके अपने ही सांसद लानत मलानत करवाने पर तुले हैं। ऐसे में इनकी जहनियत और शब्दों की सफाई कैसे होगी, ये सवाल सबसे बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।